जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश, जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को वेदर? आई होप कि ये वाला वेदर देखकर आप लोगों का मन कर रहा होगा ना कि हम भी इस वेदर में इन्जॉय करें। तो कोई बात नहीं, मैंने एक क्लिप शूट की हुई तो आप लोग देखकर इन्जॉय कर लो। मुझे तो ये वाला मतलब वेदर इतना अच्छा लग रहा था, मतलब नेचर की ब्यूटी तो देखो यार, मतलब आज तक कहर ढा रही है। और ये वाला जो मैंने शूट किया हुआ है ना, ये 12th of September को है, जब हम लोग ना चिंतामन गणेश मंदिर गए थे। तो रास्ते में मुझे इतना प्यारा प्यारा व्यू दिख रहा था ना कि मतलब मैं तो पागल ही हुए जा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था इतना प्यारा वेदर कैसे हो सकता है यार आज का। और ये वेदर ना मतलब आपको 12 से 1 बजे की क्लिप है ये, तो देखो कितनी धूप है, इसके बाद भी वेदर ने क्या कहर ढाया हुआ यार। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चिंतामन गणेश मंदिर। तो यहाँ तो मैं पहले भी एक बार आई थी ना, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था, तो मैंने आज कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़े थोड़े से क्लिप बनाई हुई है। तो ये मैं और हनी पहुँच चुके हैं और आज 12th of September है, यानी कि मेरे बर्थडे का दिन। तो हम लोग सोचे कि चलो क्यों ना दिन की शुरुआत, वैसे तो मॉर्निंग में हम लोग उठ गए थे, हम लोगों के जो काम वगैरह थे डेली रूटीन वाले वो सब कुछ हो चुके थे। इसके बाद सोचे कि चलो क्यों ना बाहर घूम कर आया जाए, तो हम लोग बाहर आ गए। और मैंने आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मैं थोड़ा थोड़ा सा एक शूट किया हुआ है। तो चलिए हम लोग मंदिर के दर्शन करते हैं। चलिए अब हम एंटर होते हैं मंदिर के अंदर। और जैसे मंदिर के अंदर एंटर हुए हैं ना, तो मतलब सजावट देख के हम तो दिमाग ही ख़राब हो जाना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये देखो मंदिर की कितनी प्यारी डेकोरेशन की हुई है ना, मतलब असम लग रहा था एकदम, इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब मंदिर आने का मन ही नहीं कर रहा था। बट क्या करें, रश इतना ज़्यादा था ना कि 2 मिनट भी मंदिर के सामने मतलब भगवान जी के सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था। हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम हम लोग लाइन में लगे रहे, इसके बाद दर्शन हुए। और यहाँ पर ना विदाउट मास्क एंट्री नहीं थी, और मैं मास्क लेके जाना भूल गई, तो मैंने ना मेरे स्कार्फ से कवर करके रखा हुआ था फेस का। तो आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप शूट की, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा रश लग रहा है। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए चिंतामन गणेश मंदिर के। मतलब मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत किया था, आप लोग उसी में भगवान जी के दर्शन तो हो ही गए आप लोगों को। और इसके बाद हम लोग बाहर की तरफ आ गए थे, तो यहाँ पर अगरबत्ती और नारियल फोड़ना था और अगरबत्ती जलानी थी, तो बस है नहीं यहाँ पर वही कर रहे हैं। हो चुके हैं और हम दर्शन वगैरह मतलब दर्शन हो गए हैं। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो हम लोगों ने चप्पल उधर उतारी हुई है ना, तो हम लोग चप्पल लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि धूप तो नहीं है यहाँ पे, पर उमस बहुत ज्यादा है ना, तो चेट रहे हैं पूरी की पूरी टाइल्स वगैरह। और ये रहे हनी, आज हनी कितने क्यूट लग रहे हैं ना। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं चप्पल पहनने के लिए। अरे सबके धर्म लगेंगे, चलो चलो जल्दी। इसके बाद हम लोग गए थे हनुमान जी का एक मंदिर, रास्ते में पड़ता, तो हम लोग वहाँ आ गए थे। एक्चुअली मैं ना उसका नाम मंदिर का पढ़ना भूल गई क्या है, बट कोई बात नहीं, हनुमान जी का मंदिर था इतना मुझे पता है। तो वहाँ पर झूला भी था, तो मतलब मैं तो झूला झूलने में ही पागल हो गई थी यार। मतलब आज ऐसा लग रहा था ना कि सारे मेरे मन की ही चीज़ें हो रही थी। तो देखो यहाँ पर झूला कितना अच्छा और कितने लंबे लंबे आप लोग झूले ले सकते, इतना बड़ा स्पेस भी था ना। और यहाँ पर सब लोग आए हुए थे, जिसको खाना खाना था ना वो खाना खा रहा था बैठ के, क्योंकि यहाँ पिकनिक स्पॉट टाइप का ही था ये, तो बहुत इन्जॉय किया। और इसके बाद हम लोग भी हमारे पेट पूजा करने आ गए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था ना, तो भूख लगने लगी थी। तो फिर हम और हनी आ गए थे क्रिसेंट रिसॉर्ट, तो यहाँ पर हम लोग कुछ जंक फूड खाने वाले थे। क्या क्या खाने वाले वो आगे आपके साथ शेयर कर देंगे हम लोग। तो बस यहाँ पर आए हम लोग, और बस आज का जो मतलब थोड़ा बहुत जो इन्जॉयमेंट था ना वही आपके साथ शेयर की हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को सारी चीज़ें देखकर, आप लोग मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो अभी हम लोग कुछ देख लेते कि हम लोग क्या क्या खाना है, तो हम लोग पहले ऑर्डर प्लेस कर देते, इसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। Yeah.
हम लोगों ने हमारा ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है, तो देखिए क्या क्या आया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या आया है, ये आया है मैक्सिकन रोल, मतलब वेजिटेबल मैक्सिकन रोल था, मतलब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पर मैं और हनी हमारा मैक्सिकन रोल जो था वो इन्जॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा था। मतलब टाइम ऐसे ना स्पेंड नहीं हो पाता है, हनी दिन भर ऑफिस में रहते हैं, मैं भी अपने ऑफिस में रहती हूँ, तो सोचा कि चलो आज छुट्टी भी और बर्थडे का दिन भी है तो चलो क्यों ना बाहर जाया जाए। और इसके बाद हमारी आ गई थी ड्रिंक, तो हम लोग ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वाली जो ड्रिंक है ना मेरी फेवरेट वाली ड्रिंक है, ये वर्जिन मोजिटो है, तो मुझे बहुत पसंद है, तो बस मैं मेरी फेवरेट वाली ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रही हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या मंगाया हुआ है तो वो देखिए, वेटर लेकर आ चुके हैं। तो इसके बाद मैंने मसाला डोसा मंगवाया हुआ है, तो मसाला डोसा इतना कुछ खास नहीं था, मैं इसको 10 में से 7 मार्क्स ही दूंगी, ज़्यादा मार्क्स तो नहीं दूंगी। बाकी क्योंकि वहाँ पर ना फीडबैक मांगा हुआ था कि क्या क्या आप लोगों को अच्छा लगा, तो हम लोगों ने हमारे हिसाब से हमारा फीडबैक दे दिया था। तो चलिए अभी हम लोग हमारा डोसा एंजॉय कर लेते और आप लोग देखकर ही एंजॉय कर लो। बर्थडे का दिन हो और पतिदेव के साथ अगर पूरा दिन रहकर एंजॉय करना हो तो किसको बुरा लगता है यार। मतलब आज तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया हनी ने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय किया मैंने आज का पूरा दिन। और मैं फ़ोन पे बातें करी क्योंकि घर से फ़ोन आ रहा था कि कहाँ हो, क्या चल रहा, बातें तो हो जाती बट ऐसा पूछते रहते ना बार बार घर वाले भी क्या कर रहे हो, क्या इन्जॉयमेंट चल रहा था। बस हम लोग यहाँ पर वही बातें करके बता रहे थे कि अभी हम लोग रेस्टोरेंट आए हुए तो हम लोग हमारा मील इन्जॉय कर रहे हैं करके, इसके पहले मंदिर गए थे, वही सारा डिस्कशन जो कि आप लोग आगे देख चुके होंगे ब्लॉग में। और हाँ, मैंने केक कटिंग वाली जो क्लिप थी ना वो सबसे लास्ट में लगाई हुई है, तो वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया हुआ था, जो हम लोग बाहर घूमने हैं तब का शूट किया और घर का मैंने सिर्फ केक कटिंग का शूट किया, इसके अलावा मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो वो आगे लगाऊंगी, तो देख लेना आप लोग। और काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को घर आए हुए, 10-15 मिनट हो गया, और जो सामान वगैरह लाई थी ना मैंने वो सबको निकाल दिया हुआ है। और मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो अपने ये वाले वीडियो को एंड भी करना है, तो अभी मैं अपने वीडियो का एंड कर दूंगा। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं कितना अच्छा वेदर हो रखा है, तो ये देखो कितना प्यारा वेदर हो रखा है ना, पीछे एकदम खेती खेत दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मन करता है ना मतलब कि ग्रीनरी देखने का, तो मैं इस साइड वाले यहाँ पर आ जाती हूँ एरिया में, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर ग्रीनरी है ना। और हमारी साइड वाले रूम है ना बिल्कुल हवा ही नहीं चलती, यहाँ तो फिर भी ओपन एरिया है ना, तो बहुत अच्छी हवा आती है, अच्छा भी लगता है यहाँ पर। तो हम लोग मंदिर गए थे, मंदिर इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था, आपको मैंने दिखाया है ना, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कितना प्यारे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था ना मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं देख रही थी किस किस चीज़ से ना वो शीट्स जो आती ना कलर वाली शीट, उसी से डेकोरेट किया हुआ था। मैं सोचा कि वाह डेकोरेशन का एक आइडिया मिल गया, तो मैं ना देख कर आ गई कैसे कैसे डेकोरेट किया था, अच्छा तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। और अभी मैं अपने इस वाले वीडियो को करूँगी एंड, क्योंकि वीडियो कितना बड़ा हो गया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो शूट की हुई हैं, बट अभी मैं कितना इसमें डालूंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मंदिर का ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया हुआ था, थोड़ा बहुत ही कुछ शूट किया था, क्योंकि मैं पहली बार जब मंदिर गई थी ना तब मैंने अच्छे से शूट करा था, आप लोगों से बहुत अच्छे से शेयर किया हुआ था चिंतामन गणेश मंदिर। बट इस बार मैं गई थी ना बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और मास्क वगैरह लगा के रखना था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था ना, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया हुआ था। और बस आज मंदिर गया ना तो आज तो मन बहुत ज़्यादा तृप्त हो गया, अच्छा अच्छी वाइब जो होती है ना वो आ रही है मंदिर से आने के बाद। चलो अभी इस वाले वीडियो को करते यहीं पर एंड, और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए। रहा मेरा बर्थडे का केक, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो ये देखो कितना छोटू सा डेकोरेशन है बट बहुत ज़्यादा ऑसम डेकोरेशन, और सारी की सारी चॉकलेट्स मेरी हैं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, और अभी भी फ्रिज में रखी हूँ क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर तो 2 दिन बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो मैंने रिकॉर्ड तो मैंने पूरा वीडियो किया था, बस वॉइस ओवर नहीं डाला हुआ था, तो आज डाल रही हूँ। और मैंने मेरा वीडियो का एंड कर दिया था, इसके बाद मैंने आप लोगों से बोल दिया था कि मैं मेरे बर्थडे की छोटी मोटी जो मैंने क्लिप्स बनाई थी तो उनको मैं डाल दूँगी, तो वो मैंने डाल दी हुई है, मैंने और कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। तो अगर मैं शूट करने
में लगो ना तो फिर इंजॉयमेंट नहीं हो पाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो सिर्फ बर्थडे जो केक कट करना है सिर्फ उसी की क्लिप्स शूट करूँगी और वही आपके साथ शेयर करूँगी, इसके ज़्यादा तो मैं कुछ शूट नहीं करूँगी, तो फिर मेरा पूरा दिमाग ना वीडियो में ही रह जाता तो फिर इंजॉयमेंट नहीं हो पाता ना इसीलिए। और फिर आज मैंने पूरा दिन, क्योंकि हनी ने मतलब हनी के साथ थी तो मैं उन्हीं के साथ पूरा दिन इंजॉय करने वाली थी, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। तो बस हनी यहाँ पे कैंडल चला रहे हैं और अभी हम लोग केक कट करेंगे। और फिर मैं ना मेरे वाले फ़ोन से भी थोड़ी थोड़ी सी रील्स के लिए एक वीडियो बना रही थी और मैंने सोचा कि आप लोगों को पास से भी केक दिखाना है तो मैं उसके लिए भी वीडियो शूट कर रही थी। तो अभी आप लोग देख कर इंजॉय कर लो। अभी मैंने जो कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ है ना पास से, वो क्लिप भी मैं आगे लगा दूंगी, तो आप लोग उसको भी देख कर इंजॉय करना। तो चलो अभी मैंने जो क्लिप लगाई हुई है ना जो पास से रिकॉर्ड की हुई है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये वाली जब कैंडल जला रहे थे ना हनी, तब वाली रिकॉर्डिंग है। तो हम लोग यहाँ पर अभी कैंडल जला रहे हैं, इसके बाद हम लोग कट करेंगे केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कैंडल जल चुकी है, हनी भी आ चुके। तो चलो अभी हम लोग केक कट कर लेते। केक कट करने से पहले विश कर ली जाए, तो यहाँ पर मैं मेरी विश मांग रही हूँ भगवान जी से और इसके बाद मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तो हैप्पी बर्थडे टू मी, सब लोग विश करो मुझे जल्दी से हैप्पी बर्थडे टू मी करके, मतलब हैप्पी बर्थडे टू यू रानू बोलना आप लोग, मैं तो अपने आप को बोलूँ इसलिए हैप्पी बर्थडे टू मी बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये कैंडल मैंने सारी की सारी बुझा दी, और एक पता मैजिकल वाली कैंडल थी ना तो मतलब बुझ ही नहीं रही थी, मैं इतना कोशिश कर रही थी इसके बाद भी वो बुझ नहीं रही थी, तो फाइनली बुझ चुकी है। तो चलो अभी हम लोग केक कट कर लेते हैं। कर लिया हुआ है, हम लोगों ने एक दूसरे को खिला दिया हुआ है, अब बारी आती है आप लोगों की केक खाने के लिए। तो चलो चलो जल्दी जल्दी से केक खा लो, टेस्ट करके बताओ कि केक कैसा है करके। आई होप कि आप लोगों ने टेस्ट कर लिया होगा केक, तो केक टेस्टी है ना, बिल्कुल यम्मी वाला। केक कट हो चुका है, कैसा लगा आप लोगों को हमारा बर्थडे ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तो पता है ना कि वीडियो को लाइक करना है, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है, चैनल में नए रहा करो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जो पास में बेल आइकन बना उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, अदरवाइज़ वीडियो आप लोगों से मिस हो जाएगा। बाय बाय, चेक किए।